नाम बता दीजिए। मदन प्रसाद गोंड। क्या आप दिल्ली प्रदेश में इस गोंड के क्या है? राष्ट्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनजाति मोर्चा। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे जो धरने हो रहे हैं जी, और पहले भी आप लोग कह रहे हैं प्रदर्शन हुए जी, क्या इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया? बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया गया, बिल्कुल ही संज्ञान नहीं लिया गया। ये पता है आपको, ये देश आदिवासियों का है। सब कहते हैं आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन कोई बता सकता है आज़ादी की लड़ाई लड़ने का प्रमाण आज हमारे घरों में भी है? अंग्रेज थप्पड़ से भागे नहीं थे, अंग्रेज किसी के डंडे से नहीं भागे थे। उनके उस समय अंग्रेजों के पास तोप और गोला था और हमारे पास तीर और कमान था। हमने एक एक जगह अंग्रेजों को इतना ढेर किया था कि अंग्रेज जंगल का रास्ता भूल गए थे। ये लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, और अंग्रेज भागे थे तो भारत के पास उसमें कोई हथियार नहीं था। अंग्रेज हमारे तीर और कमान से भागे थे, जो कि आज भी आदिवासियों के घर में तीर और कमान पाया जाता है। ये प्रमाण सरकार से क्या कहना चाहिए जी? प्रधानमंत्री जी को आपने ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो अब क्या? प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे भारत सरकार से। हमारी तो बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारी मांग है। जल जंगल जमीन हमारा है, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जंगल जमीन के अंदर जो भी खनिज संपदा है उस पर 50% वहाँ के लोगों का अधिकार आधिपत्य होता है, लेकिन दिल्ली से लोग जा करके हमारे जंगलों में हमारे खनिज संपदा पे करोड़ों पति हैं, और आज हम वहाँ जंगल में रह करके हमारे जमीन के नीचे खदान निकलता है और हम खाकपति हैं। ये भारत की नीतियाँ हैं, ये भारत के नियम है। हम किस बात पर इतराए, किस बात पर भारत माता की जय बोले? इसके लिए कि हमारे बेटी बहनों की छाती चेक किया जाता है कि हाँ ये वाकई में वो बच्चे वाली है या नक्सली है। हमको नक्सली कह के मार दिया जाता है, हम उसके लिए गर्व करें, उसके लिए भारत माता की जय बोले? ये हमारे भारत की नीतियाँ हैं हमारे लिए। उसके बाद से जंगलों में नक्सली कह के मारने के अलावा आप देखिए जा करके कि कितने हमारे भाई निर्दोष आज की डेट में जेलों में बंद हैं। हमारे साथ क्या न्याय हो रहा है? ये जब भारत देश आज़ाद हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 560 रियासतों में पूरा देश बटा हुआ था, जिसमें 258 राजघराना सिर्फ गोंडवाना का था। उस समय 65% जमीन भारत में विलय के लिए हमने दिया था। अगर 65% जमीन हम ना देते तो भारत का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये भारत के लोग सांस लेने की भी इनको जगह नहीं मिलती। 258 राजघराना हमारा था। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो लास्ट गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन की चिट्ठी निकाल कर आप सार्वजनिक करें भारत सरकार लोगों के सामने कि देखो 258 राजघराना गोंडवाना का था कि नहीं था। हम उस पर गर्व करते हैं, हमारा 258 राजघराना था। उसके बाद से हमारे पास जल जंगल जमीन हर चीज़ से हमको वंचित किया गया, एजुकेशन में हमको पीछे किया गया। अगर इस देश में हमारी 15 करोड़ आबादी है, लेकिन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पीछे हैं। हमारे क्षेत्रों में 20-20 किलोमीटर तक कहीं स्कूल नहीं है, 20-20 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है। हमको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है कि तुम जियो या मरो। ये भारत की नीतियाँ हैं, हम इसके लिए भारत पर इतराएं और इसके लिए जयकार करें। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, ये तो अभी हमारे, ये समझिए कि भारत के अंदर प्रथम हमारे भूमिका संघ, जो आप ये संख्या देख रहे हैं, पहली बार दिल्ली चल के आए हैं। ये तो अभी शुरुआत हुई है। अगर भारत सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो आगे, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारा ये धर्म कोड सिर्फ नहीं है, ये हमारी जनसंख्या कोड भी है। ये धर्म के धर्म हम लोग हम अभी हाँ हमारा हाँ हाँ हमारा एनपीआर का भी आप हाँ हम विरोध करते हैं। हमारा तो जनसंख्या कोड में, हमारा जनसंख्या कोड में कालम 1871 में इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया था। 71 से लेकर के 41 तक हमको कभी इंडिजीनियस बोला गया, कभी ट्राइबल बोला गया, कभी आदिवासी बोला गया। उसके बाद से 41 तक होता चलाया। जब उसके बाद 41 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, 258 राजघराना दे करके हमने विलय कर दिया, हमारे कॉलम ही गायब हो गए। हमारे को कहीं अलग से काउंटिंग नहीं किया जाता है। हमारे को अलग से काउंट नहीं करने का मतलब कि हमको हिंदू में काउंटिंग किया जाता है। अरे हिंदू में काउंटिंग का, हमारा तो ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा हक अधिकार जो है हमको अलग करो भाई। उसके बाद से हमारी परंपरा अलग है। हमारी शादियाँ अगर होती है, हम लोग अपना ट्राइबल रीति रिवाज हिंदू धर्म से अलग है। जब अपनी शादी ब्याह करते हैं उसके बाद कहीं मामला बिगड़ जाता है, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमें फैसला सुनाया जाता है। अरे हमने शादी अपने आदिवासी रीति रिवाज से किया है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमें फैसला सुनाया जाता है, हमें सजा सुनाया जाता है। ये कौन सा प्रावधान है भाई? भारत के अंदर तो अभी संविधान पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ। हमारा डिमांड सिर्फ है कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करो, उसके बाद हम इस लड़ाई को रोकेंगे। जब भारत का संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा, आदिवासी उसी दिन खुशहाल हो जाएगा। आदिवासी ही नहीं, इस देश का SC ST OBC समाज जो 85% है, हमारी डिमांड ये भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम जितने हैं उतना हमारा दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। धन्यवाद। जय सेवा, जय फड़ा पेंट, राज करे।